स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा नोर सेठ 05 की सबसे सटीक कट ऑफ। दोस्तों बता दूं, हमने पिछली बार नोर सेठ 4 की भी कट ऑफ प्रडिक्ट की थी, उतनी ही कट ऑफ गई थी जितनी हमने बताई थी, और इस बार मैं आपके लिए और लेके आया हूँ नोर सेठ 5 की कट ऑफ। जितनी बताऊंगा उससे ज़्यादा एक नंबर भी नहीं जाएगी। दोस्तों बता दूं नोर सेठ 5 की फाइनल कट ऑफ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए आपको कट ऑफ बता देता हूं। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 100 नंबरों में से लगभग जिसके 65 नंबर प्लस हैं उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से श्योर सिलेक्शन है। मेल कैंडिडेट के लिए कोई ना कोई सा एम्स मिल जाएगा। दोस्तों बात करूँ फीमेल की, तो फीमेल कैटेगरी के लिए वही सिलेक्शन आप 62 या 60 तक पा सकते हो। दोस्तों 60 प्लस अगर किसी फीमेल कैटेगरी के नंबर फीमेल के नंबर हैं तो वो उसका जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों फिर बात करूं मैं ओबीसी की, ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में अगर किसी छात्र के 60 से लेकर 62 नंबर तक आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी से आराम से आसानी से हो जाएगा। और बात करूं ओबीसी फीमेल की, ओबीसी फीमेल की वही सिलेक्शन आपको 55 से लेके 57% तक, आपको अगर 57 नंबर आ रहे हैं 100 में से तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। फिर बात करूं मैं एससी की, एससी में आप देखोगे वही अगर एससी का मेल कैंडिडेट है तो उसका सिलेक्शन लगभग 52 से लेके 54 तक उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और वही फीमेल है तो उसका सिलेक्शन 50 प्लस अगर कोई नंबर लेके आ रही है फीमेल कैंडिडेट तो उसका सिलेक्शन श्योर है नोर सेठ में। फिर बात करूं एसटी की, एसटी कैटेगरी में जिस अगर कैंडिडेट के 50 प्लस नंबर आ रहे हैं मेल कैंडिडेट के तो उसका सिलेक्शन श्योर है, वही अगर फीमेल है तो उसके अगर 47 से 49 नंबर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन श्योर है। दोस्तों ये एसटी की थी, ये पूरी एक्सपेक्टेड अनुमानित कट ऑफ है और इससे ऊपर एक नंबर कट ऑफ नहीं जाएगी, गारंटी लेता हूँ मैं इसकी। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।